पंजाब में कैप्टन सरकार द्वारा रेत खदानों की ऑनलाइन बिक्री कर अपनी खूब फीस थपथपाई जा रही है और हजारों करोड़ रुपए मालिया एकत्र करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन डेरा बस्ती और जीरकपुर इलाके में अभी भी रेत माफिया द्वारा शरेआम दिन के उजाले में बड़ी बड़ी पॉकलेन मशीन लगाकर गैर कानूनी ढंग से खुदाई की जा रही है और रात के अंधेरे में सैकड़ों टिप्पर भरकर मार्केट में बेचे जा रहे हैं। ये मामला है डेरा बस्ती के गांव बाकरपुर और शिताबगढ़ का, जहां पर रेत माफिया द्वारा शरेआम दिन रात गैर कानूनी तरीके से जमीन से रेत निकाल कर मार्केट में बेची जा रही है। हैरानी की बात है कि पुलिस खुद कालाबाजारी की इन गाड़ियों को रास्ता दे रही है और ये सब हुआ जीरकपुर थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में। आज जीरकपुर पुलिस और माइनिंग अधिकारी की मजबूरी कहे या मिलीभगत कि पुलिस द्वारा गाड़ियों को चेक करना भी जरूरी नहीं समझा गया, जबकि मीडिया कर्मियों द्वारा करीब 2 घंटे पहले पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई थी। गौरतलब बात ये भी है कि अगर एक आम गांववासी और मीडिया को इस गैर कानूनी माइनिंग की जानकारी है तो डेरा बस्ती और जीरकपुर पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, ये बड़ा सवाल है। जब मीडिया द्वारा SHO जीरकपुर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मामले की जानकारी लेने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। हाँ, SHO डेरा बस्ती में जरूर पुलिस कर्मी भेजकर माइनिंग स्पॉट चेक करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस एक चक्कर लगाकर वापस लौट आई और नतीजा वही जीरो। विजय जिंदल, दिव्य पंजाब टीवी, मोहाली। कहाँ से लेके आ रहे हो? कितों लेके आ रहे हो? बहुत पीछे खड़ा है। कहाँ से लेके आ रहे हो? मोहन साहब रही ट्रैवल ट्रवल। नहीं नहीं, कहाँ से लेके आ रहे हो? इधर गंगर बोला भाई, गंगर के पास से। और भी गाड़ी है? हाँ, पीछे आ रही हूँ। पीछे आ रही।